चलिए एचसीएफ एलसीएम के बाद हम लोग शुरू करते हैं दूसरा टॉपिक। इसमें अगर राजवी क्वेश्चंस बनाया है एचसीएफ एलसीएम का, बन जा रहा है। नो नहीं बन रहा है, मैम, कहाँ हम पहुंच, बनाए नहीं। बना ही नहीं हो क्या? सॉरी मैम, क्यों नहीं बनाई? टाइम नहीं मिला, क्या हुआ, इशू क्या है? टाइम नहीं मिल रहा था मैम। कल बनाएंगे, कल बनाएंगे। अब तो ये पता ही नहीं चलेगा ना, प्रॉब्लम कहाँ थी क्या बताना। चलो ठीक है, अगर कुछ पूछना होगा तो फिर जाना वापस से टॉपिक पे, अदरवाइज ओके मैम, हम शुरू करते हैं कुछ और। ओके अभिजीत, तुमने बनाया था, उसमें एक दो चीज है, तरह का प्रॉब्लम है जो हो सकता है आप लोगों को दिक्कत करे। लास्ट का कुछ क्वेश्चंस, मैम। मैंने 40 तक बनाया। 40 तक बनाया, 40 तक बना दिया। चलो तब तो ठीक है, लेकिन उसमें कुछ है जो आगे क्रिएट कर सकता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 66 देखिए तो जरा। एक मिनट रुको, है ना, क्वेश्चन मेरे पास है, हम एक मिनट में शेयर कर रहा हूँ। शुरुआत के कुछ क्वेश्चन का तो हम बता दिए थे। कुछ क्वेश्चंस है जिसके लिए मतलब कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन है ना, 15-20 क्वेश्चन का के बाद देखोगे ना, क्वेश्चन में थोड़ा ट्रेंड चेंज करता है, ठीक है? और एक ही कॉन्सेप्ट पे 15-20 क्वेश्चन लगभग है जो एक ही कॉन्सेप्ट पे है, उसके बाद क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करके फिर उसके का क्या कहा जाए, मतलब कॉन्सेप्ट चेंज करके उसी को पूछता है। चलो देखो जैसे, देखिए शुरू का कुछ क्वेश्चन है, ये सब तो आप बना ही लेंगे, जो बताया है मैंने उसके बेसिस पे ही बन जाएगा। इसके बाद कुछ क्वेश्चन है जो सॉल्व करने में थोड़ा दिक्कत, 40 तक बना लिए हो, ये क्वेश्चन बनेगा क्या? अच्छा ये बना बता चुके थे, रुको। को प्राइम क्वेश्चन नंबर 47, देखो ये जो वर्ड प्रॉब्लम है, इस तरह का क्वेश्चन, डिफरेंट कंटेनर्स, कंटेन इतना लीटर, इतना लीटर एंड इतना लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, द बिगेस्ट मेजर कैन ऑल मेजर ऑल द डिफरेंट क्वांटिटीज एग्जैक्टली, क्या हो सकता है जिसको लीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो कितना है जिससे सारा का सारा मेजर हो सकता है। अब इसमें सबका एलसीएम ही निकालना पड़ेगा। फिर देखो दो दूसरा क्वेश्चन है, रेक्टेंगुलर शेप, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 60, द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 43, 91 एंड 183 शो दैट टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस, के बन जाएगा। देखो तो जरा कैसे इसको बनाएंगे अभिजीत। यस मैम, ग्रेटेस्ट नंबर है जो इन सबको डिवाइड कर पाए, मतलब इन शॉर्ट क्या पूछ रहा है एचसीएफ, सिर्फ लैंग्वेज में वो चीज कंफ्यूज करने के लिए बोल रहा है। क्या है ग्रेटेस्ट नंबर? सो ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर होता है एचसीएफ। एचसीएफ क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
और हाईएस्ट कॉमन मींस ग्रेटेस्ट वैल्यू दैट इज गोइंग टू डिवाइड ऑल द नंबर्स. अब इसमें से क्या मिलेगा, तो वही चीज है. लेकिन हाँ, यहाँ पे कंडीशन एक इम्पोज कर दिया गया है कि रिमाइंडर सेम आना चाहिए. कोई ऐसा नंबर जिससे अगर हम डिवाइड करें इन तीनों नंबर्स को तो सेम रिमाइंडर आना चाहिए. हेलो यूज़ कर क्या ट्रायल वाले ट्रायल मेथड. ट्रायल मेथड तो कर सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से ना, लेकिन अगर ऐसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे तो ट्रायल मेथड कर सकते हो, ऑप्शन है तो आराम से बना सकते हो. हिडन ट्रायल मेथड अप्लाई किया जा सकता है जहां पे टाइम कम लगे उसमें, तो इसमें लगाया जा सकता है, सबसे डिवाइड करके देख लो. लेकिन यहाँ पे कॉमन नंबर आना चाहिए, मतलब पहले तो एचसीएफ निकालना पड़ेगा या फिर कॉमन डिविजर निकालना पड़ेगा, उसके बाद रिमाइंडर हर केस में सेम आना चाहिए. और जो हमें आंसर में निकालना है ना, वो रिमाइंडर को बताना है, ना कि डिविजर को बताना है. तो यहाँ पे हिट कर ट्रायल मेथड वाला तो सॉल्यूशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अप्लाई किया भी जा सकता है. लेकिन हमें नंबर ऐसा लाना है जो डिवाइड हो, कॉमन ये मिले. बताओ क्या करेंगे. देखो जरा, प्रिया बनेगा बनेगा क्वेश्चन ये वाला, देखिए जरा 60 क्वेश्चन नंबर 60 हम देख रहे हैं बनाकर. HCF का इस्तेमाल, HCF का प्रॉब्लम ये कैसे है पहले ये देखने का कोशिश करो. कैमरा ऑन करो सब लोग, फिर से कैमरा बंद है सबका, हर बार बोलना पड़ता है आप लोगों को क्यों. कैमरा ऑन करिए प्रिया, कैमरा ऑन करो अभिजीत. 5 मिनट हो गया ना राजवी, बताइए जरा जल्दी से बताओ, जैसे बनाओगे नहीं बनाओगे क्या होगा बताओ जल्दी से, फिर तो बताएंगे ना. टाइम ऐसे वेस्ट करने से कोई फायदा तो है नहीं. क्या हो सकता है, जो दिमाग लगाना है लग रहा है या नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, जो हो रहा है बताइए. क्योंकि ऐसे तोड़ मरोड़ करके तो अपन आंसर नहीं ला सकते हो. द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड ऑल दीज थ्री नंबर्स सो दैट टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस. बनेगा मैम, वेट मैम. क्वेश्चन समझ में नहीं आया है या फिर बनेगा कैसे नहीं आया ये पता नहीं चल रहा है प्रिया. मैम कैसे बनेगा वो नहीं समझ में आ रहा, क्वेश्चन समझ में आ गया. क्वेश्चन क्लियर है. सो ऑप्शंस के बेसिस पे तो कुछ अप्लाई कर सकती हो.
सपोज आप 4 से डिवाइड 40 को, आपके पास 3 रिमाइंडर आ रहा है, 4 से डिवाइड करिए 91 को, देखिए जरा क्या आ रहा है। रिमाइंडर सेम आ रहा है या नहीं ये चेक करना। इन ईच केस रिमाइंडर शुड बी सेम, यही हमारा ऑब्जेक्टिव ही है, मतलब क्वेश्चन ही है। अभिजीत हुआ फॉर दी आंसर, हाँ फॉर दी, ठीक है। देखो इसको सॉल्व कैसे करना है, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन है तो या तो तुम हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करो, सारे क्वेश्चन सारे ऑप्शंस इसको डिवाइड करो और रिमाइंडर चेक करो कि सेम आ रहा है या नहीं, मतलब 4 से तीनों को डिवाइड करके देखो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 7 से तीनों को डिवाइड करके देखो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 9 से तीनों नंबर को डिवाइड करके देखो रिमाइंडर कितना आ रहा है, एंड 13 से डिवाइड करके देखो, जिस केस में भी आ जाए वो आंसर है। या फिर दूसरा तरीका ये है, इन 3 नंबर्स से मुझे ये बता सकता है कोई कितने पेयर ऑफ नंबर्स बन सकते हैं? पेयर्स ऑफ नंबर कितने पेयर, हाँ कितने पेयर ऑफ नंबर बनेंगे, 3 नंबर से पेयर कितना बनेगा? कॉम्बिनेशन वाला कॉन्सेप्ट लगाना, परमुटेशन वाला मत लगाना। 3 में से पेयर कितना बनेगा? सिंपल है, 3 बनेगा, इन दोनों का पेयरिंग कर लो। जैसे देखो क्या है, 43, 91, 183, एक सेकेंड रुक जाओ, 43, 91 एंड 183। सो आपके पास नंबर है 43, 91 एंड 183। जो तरीका है सॉल्व करने का जो कि ज्यादा एक्यूरेट होता है वो ये है, इन दोनों का पेयरिंग कर लो, इन दोनों का पेयरिंग कर लो और इन तीनों का पेयरिंग कर लो, ठीक है। और इन दोनों का पेयरिंग करने के बाद इन दोनों का डिफरेंस बताइए, 43, 91 माइनस 43 क्या आएगा? रिसर्च करो, 48। मुझे लगा रिसर्च ही करोगे आज। सो 48, इसके बाद इन दोनों का डिफरेंस निकालिए 91 एंड 183 का। 92, बहुत सिंपल है। 92, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस और भी आसान है, 140 ऐड कर दीजिए। 140 ऐड करना है, घटाना है, 143 निकालना है, 43 और 183 ना, 140। अब आपके पास जो नंबर आया है 48, 92 और 183, इसका HCF निकालना पड़ेगा। इसका जो HCF होगा उसी नंबर से वो डिविजिबल होगा और आप वही नंबर है आंसर बताएंगे। तो मेथड जो है तो कन्वेंशनल मेथड है वही, इन तीनों का डिफरेंसेस निकाल लो, डिफरेंसेस का HCF निकाल लो। अब डिफरेंसेस का HCF निकालोगे तो जो HCF होगा वही आंसर होगा, ठीक है। इसका HCF निकाल के देख सकते हो, किसी दो का निकाल लो, एक से इसको कंपेयर कर लो, ऐसे भी कर सकते हैं। HCF निकालना आता है? हाँ मैम। हाँ नहीं, हाँ प्रिया, हाँ आता है ना तो बता। यस मैम आता है, तो इसका आंसर जो होगा वही होगा। या फिर हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करके देख लीजिए, हिट एंड ट्रायल मेथड भी यूजफुल यहाँ हो सकता है, कभी कभी नहीं भी यूजफुल हो सकता है। हाँ यहाँ पे वही फर्स्ट ही टाइम में वो काम कर गया इसलिए बोल सकते हो।
चलो एक क्वेश्चन ये इसी से रिलेटेड अगर दे दें, थोड़ा टफ कर दें क्वेश्चन। हाँ हो जाएगा। चलो देखो तो जरा एक मिनट स्टॉप। चलिए देखिए तो इसी का क्वेश्चन ये वाला बन पाएगा। 183 थ्री नंबर्स है थोड़ा। चलो आसानी का। व्हाट विल बी द लीस्ट नंबर व्हिच इज व्हेन डबल्ड विल एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 18, 21 एंड 30। व्हाट इज द लीस्ट नंबर, इन सब में से कोई भी एक लीस्ट नंबर बताइए जिसको जब डबल किया जाए है ना, व्हेन डबल्ड विल एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 18, 21 एंड 30। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, मुश्किल पद है लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है। देखो किसी भी नंबर, एक चीज याद रखना, HCF और LCM एक ऐसा टर्म है जिसमें आपको ये याद रखना पड़ेगा, HCF जो है वो नंबर होता है जो हमेशा जिससे हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, जब भी आपसे ये पूछा जाए किससे डिविजिबल है, ठीक है, तो वो नंबर हमेशा स्मॉलर नंबर होगा एंड दैट श्योर दैट इज गोइंग श्योरली गोइंग टू बी HCF ऑफ नंबर। दूसरा टर्म ये आता है अगर आप ग्रुप ऑफ नंबर्स की बात कर रहे हैं ऑन दैट, और बात कर रहे हैं वैसा नंबर विच इज गोइंग टू बी डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स, तो सिंपल सा है वहां पे कौन सा आंसर सी होगा, LCM का आ जाएगा सी मे बी। देखो इसके बाद क्या है, एक और टर्म यहाँ पे आ रहा है कि एक नंबर है जिसको जब हम डबल करते हैं तो वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ऑल दीज टर्म्स बोल रहा है, तो सबसे पहले वही नंबर सारे नंबर से डिविजिबल होता है जो कि LCM हो। अभी मैंने क्या कहा, एक नंबर जो सबसे डिविजिबल है दैट इज LCM, और जिससे सबको डिवाइड कर रहे हो दैट इज HCF, तो यहाँ पे बोला गया है वैसा नंबर जो कि सबसे डिविजिबल है, देन कॉन्सेप्ट किसका आता है, LCM का, ना कि LCM का। तो सिंपल सा है, 12, 18, 21, 30 का तुम LCM निकाल लो, और उस LCM का जो भी मल्टीपल होगा, ठीक है, जो भी मल्टीपल होगा वो नंबर इन सारे ही नंबर से डिविजिबल होगा। तो 12, 18, 21 और 30 का LCM कितना आ रहा है देखिए, LCM कितना आ रहा है निकालिए। तो प्रिया का आंसर सी है ऑप्शन, 1260 आ रहा है, 1260 LCM आ रहा है, लेकिन अब वहां पे अगर 1260 LCM आ रहा है तब क्वेश्चन में वापस एक बार ध्यान दीजिए, द नंबर विच वेन डबल्ड, सो दैट इज द एक्चुअल नंबर जो कि 1260 है बट उसको डबल करके लाया गया है तो उसका हाफ ऑफ नंबर होगा, दैट मीन 630 इज द आंसर। ठीक है, यस मैम, है ना, क्योंकि LCM वो नंबर है जिसमें आप डिवाइड कर रहे हैं और वो सबसे ही डिविजिबल होगा, तो वहां तक तो सही है, उसका LCM निकालना है। और उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन इस फॉर्म में है कि जो नंबर होगा जो डिविजिबल है दैट इज डबल ऑफ सम नंबर,
तो वो नंबर क्या है जिसका वो डबल है? That is 630. 630, yes ma'am. चलो, the smallest fraction which each of this will divide exactly. ये जरा सोचिए कैसे बनेगा. सब कुछ था जो सिंपल नंबर्स आपने अभी तक जो नंबर लिया है, दैट इज अ होल नंबर, रियल नंबर, सॉरी नेचुरल नंबर मिला है आपके पास. अब फ्रैक्शनल नंबर है, उस फ्रैक्शनल नंबर को किस नंबर से हम डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्टली वो डिविजिबल होगा. इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्टली फ्रैक्शनल नंबर का हमें निकालना है एचसीएफ या फिर एलसीएम. यहाँ पे तो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है, दैट मीन्स एचसीएफ ऑफ दीज क्या है, फ्रैक्शंस. तो एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शनल नंबर कैसे निकालते हैं, कोई बता सकता है, किसी को पता है? HCF of fractional numbers. बनाए हो आज से पहले? बनाए होगे तो याद होगा, लेकिन भूल गए. बनाए हैं लेकिन भूल गए. चलो LCM हम लोगों को निकालना है या HCF निकालना है? HCF. ट्राई कर रहे हैं, बाकी किसी को पता भी नहीं है तो ट्राई भी नहीं करेगा ना, फिर मुझे बताना ही पड़ेगा ना. बता देते हैं, याद कर लो तुम भी. मैम बता दे. ठीक है ठीक. मैम क्वेश्चन क्वेश्चन दिखाना पड़ेगा, जस्ट अ मिनट. नंबर्स फ्रैक्शनल नंबर है तो उसका एचसीएफ या फिर एलसीएम निकालना. The smallest fraction which each of this will divide exactly, मतलब LCM निकालना है. The smallest fraction जो इस सबसे divide हो जाए, यही है ना, which each of will divide exactly, that means LCM निकालना है हमें. स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन यहाँ कहने का मतलब हुआ जो रिजल्ट है एग्जैक्टली वही एलसीएम. एलसीएम का मल्टीपल भी होता है, वो भी डिविजिबल होता है, लेकिन एलसीएम वो स्मॉलेस्ट नंबर होता है जो कि डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर होगा. म्यूट कर लो अभी तक. हो गया अभिजीत. हम 30/98. 30/98 तो नहीं होगा, पार्शियली करेक्ट है तुम्हारा आंसर. चलो देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है ना सबके पास, क्वेश्चन बताना मुझे क्या है क्वेश्चन. फ्रैक्शंस क्या है? 6/7. 6/7. Okay. 5/14. 5/14. 10/21. 10/21. अब देखो क्वेश्चन में पूछा गया है द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड बाई डिविजिबल बाई ऑल दीज नंबर्स. तो स्मॉलेस्ट नंबर जो कि सारे नंबर से डिविजिबल होता है, क्या होता है? एलसीएम. जैसे मान लीजिए 2, 4, 6 आप ले रहे हैं, तो 2, 4, 6 तीनों से ही डिविजिबल कौन सा नंबर होगा? इसका एलसीएम ही होगा जो इससे डिवाइड होता है, जो आप फ्रैक्शनल एडिशन में, फ्रैक्शनल सबट्रैक्शन में यूज करते हैं. सो अब आपको निकालना क्या है? एलसीएम ऑफ द फ्रैक्शंस, एलसीएम ऑफ ऑल दीज नंबर. कभी भी फ्रैक्शनल टर्म का अगर एलसीएम निकालना हो, एक्स वाई वाई के फॉर्म में अगर टर्म्स आ रहा है, अगर इसका एलसीएम निकालना हो तो हम निकालते हैं एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स 6, 5 and 10. इसका एलसीएम निकालते हैं एंड एचसीएफ निकालते हैं. एचसीएफ 30/7 आएगा. हाँ हो सकता है. एचसीएफ ऑफ 7, 14 and 21. सो ये हमारा आंसर होता है. निकालो 30/7. 30/7 ठीक है. 7 में कॉमन फैक्टर ऑब्वियसली 7, 14, 21 है, तो डिनोमिनेटर में तो 7 आएगा.
न्यूमरेटर में आपका 30 है जो सबसे डिविजिबल है, सो 30/7 इज द एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स. और अगर इसी में एचसीएफ निकालने बोला जाए तो इसी को चेंज कर दिया जाता है, ऊपर एचसीएफ हो जाएगा नीचे एलसीएम हो जाएगा. ठीक है, समझ गए, बन जाएगा क्वेश्चन. yes, ठीक, चलो बनाओ तो जरा. Just try practice on questions और दिख नहीं रहा है, रुको. फ्रैक्शनल नंबर्स का तो देखिए क्वेश्चन था इसमें, रुको और देते हैं. चलो हम खुद से ही जनरेट कर देते हैं. लिखो जरा तो, फाइंड द एलसीएम ऑफ दीज फ्रैक्शंस. फ्रैक्शन लिखिए 2/3, 9/6, 4/8. इसका एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालो. इसका एलसीएम आएगा 36/1. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है. अच्छा 2 नहीं है, ठीक है. हाँ तब तो एचसीएफ क्या आएगा, 1/ एचसीएफ में भी कॉमन फैक्टर तो 1 हो जा रहा है, 1/24. ठीक है, 24 इज डिविजिबल बाय 3 एज वेल एज 6 एज वेल एज 8 एंड 1 आपका कॉमन प्राइम नंबर. को प्राइम नंबर भी चेक कर सकते हो, 2, 4 इवन और ऑड ऐसा नंबर मिल जाए तो समझ लो वो तो गया ही काम से, क्योंकि उसमें हमेशा को प्राइम नंबर ही मिलेगा, 1 ही मिलेगा कॉमन फैक्टर. ठीक है प्रिया, राजवी, क्लियर है? यस मैम. ओके देन, सो एक और बना लो. 7/8, 7/8, 13/16, 31/40. 7/8, 13/16, 7/8, 13/16, and 31/40. HCF और LCM बताओ. पहला HCF आएगा 1/8. HCF 1/8. HCF नहीं, देखिए देखिए नहीं आएगा, 40 आएगा, 40 भी नहीं, देखिए. वन बाय फाइव आना चाहिए. नहीं नहीं क्या आ रहा है, एचसीएफ 1/80. एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर इज 80 एंड ठीक है. हाँ 1/80 आ रहा है. एलसीएम 80, एलसीएम 80 आ रहा है. नहीं एलसीएम तो 80. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 8, ठीक है. एलसीएम बोल रही हो ना? एक मिनट, एलसीएम में तुम्हारे पास जो न्यूमरेटर है उसका एलसीएम कितना आ रहा है? इसका एलसीएम 80 तो नहीं आना चाहिए. 80 इज नॉट डिविजिबल बाय 31, नॉट डिविजिबल बाय 13 एज वेल एज 7. एलसीएम अगर मैम 2/8, 2/1 डिवाइड बाय 8. 2/8 आएगा 2/1 डिवाइडेड बाय 8 हो सकता है, क्योंकि 8 जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन तीनों का है पहली बात, और दूसरे में है 2/8, 2/1 जो है ये वैल्यूज
सो ये वैल्यूज का जो प्रोडक्ट होगा, जो टर्म होगा, क्योंकि सारे नंबर्स तो कोप्राइम नंबर है, और कोप्राइम नंबर में एलसीएम जो होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट हो जाता है, कुछ कॉमन भी आता है, तो इसका जो भी है मल्टीप्लिकेशन करके लाओगे तो यही आ रहा है, तो फिर यही आंसर है। यस मैम, इतना ही आ रहा है, वो गलत बन गया था, नंबर गलत लिखे थे। ठीक है, और एचसीएफ में तो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऊपर 1 है, 1/80, एंड एलसीएम है तो 80, तो 1/80 हो जाएगा। ठीक है, सो फ्रैक्शनल नंबर्स का एलसीएम एचसीएफ निकालना समझ में आ गया। मैं एक चीज ये भी देख लो, कुछ क्वेश्चंस चलो ये क्वेश्चन जरा ध्यान देना, इन सबको हिट एंड ट्रायल मेथड से नहीं तो थोड़ा अपना कॉमन सेंस लगा के सॉल्व कर सकते हो। द लीस्ट कॉमन नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर and is divisible by each of the numbers 16, 20, 24 से divisible number, so obviously किसका LCM होगा, so obvious है ना। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, और वो जो भी number है वो किसी term का multiple कर लो या फिर कुछ और कर लो, वो perfect square भी होना चाहिए। तो जो इसका LCM आ रहा है और उस LCM का multiple अगर आप निकाल सकते हैं तो मल्टीपल भी मिल जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, वैसा कौन सा ऑप्शन है। वैसे जितना भी क्वेश्चन में ये सॉल्यूशन दिया है ना, सब परफेक्ट स्क्वायर है, बहुत चालाक है क्वेश्चन का जो भी सेटर है वो, क्योंकि 1600 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 3600 इज ऑल्सो ए परफेक्ट स्क्वायर, 6400 है वो भी परफेक्ट स्क्वायर है, 14400 है वो भी परफेक्ट स्क्वायर है ना। मैम देखिए मैम, एक सेकंड बन गया। चलो ठीक है, तो अगर उसका स्क्वायर बनाना है कुछ ऐसा टर्म, इसका आंसर लास्ट वाला होगा, डी। डी क्यों? 1400 क्यों? क्योंकि ये एक तो ऐसा डिजिट है जो 240 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 24 × 6 144 हो जाएगा। टू फोर्टी आपका एलसीएम आया, ठीक है। अब 240 के बाद लीस्ट नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर एंड इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर, सो 240 को हमें कन्वर्ट करना है इसमें, तो 240 का मल्टीपल करोगे तो 144 आता है, 240 से डिवाइड हो जाता है।
आंसर क्या है मैम? आंसर के बेसिस पे तुम्हारा एक्सप्लेनेशन चेंज नहीं ना हो जाएगा। 144 100 पूरा परफेक्ट है, क्योंकि 6400 तो डिवाइड होगा नहीं। 26 क्या नहीं होगा? 6400 नहीं होगा, 1600 नहीं होगा, ठीक है? 600 होगा, ना ही 1600 होगा। 3600 नहीं होगा। करके देखो तो एक काम, 16 से 36 डिवाइड होता है, 3600 इज डिविजिबल बाय 16 और नॉट, क्योंकि यहाँ पे लीस्ट नंबर निकालना है। तो 144 अगर होता भी होगा तो उससे स्मॉलर नंबर अगर पॉसिबल है तो हमें वो निकालना है। वो आंसर आपका सही है कि वो भी डिविजिबल होगा, बट लीस्ट नंबर वी हैव टू फाइंड। यस मैम, हो रहा है ना, तो 240 से भी डिवाइड होगा। 600 सब भी और भी डिविजिबल, ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, बट लीस्ट नंबर का कॉन्सेप्ट आ गया ना, इसलिए ऑप्शन देगा तो वैसा ऑप्शन देगा ना जो सब कुछ सभी डिवाइड होने वाला लगेगा आपको, और सारा इसी फॉर्म में देखो दिया है जिसमें लास्ट में 0-0 टर्म आता हो। वो ना, हमको तो यकीन था 64 तो शायद नहीं भी हो सकता है। हाँ तो वही चीज, वही तो बोल रहे हैं डिविजिबल होगा, बट यहाँ पे लीस्ट नंबर बोल दिया या फिर ग्रेटेस्ट नंबर बोल देता, हाईएस्ट नंबर बोल देता तो फिर आपका 144 अगर कैंसिल होता है तो वही आंसर हो जाएगा, लेकिन लीस्ट 1600 नहीं होगा। देख लीजिएगा इसका, 20 से डिवाइड करोगे 24, देखना इसका डिविजिबल नहीं होगा, तीनों ही नंबर से डिविजिबल नहीं है, बट तीनों ही नंबर से डिविजिबल है या नहीं ये चेक करने के लिए सबसे आसान तरीका है वही जो एलसीएम आप निकालते हो उसी से डिवाइड करके देख लो, बट उससे डिवाइड करोगे तो नहीं आएगा, ठीक है? Yes, ma'am. चलिए एक क्वेश्चन और हम यहाँ पे ये देखो तो जरा, इसका भी थोड़ा अटेम्प्ट डिफरेंट होता है। द लीस्ट नंबर विच वेन इंक्रीज्ड बाय 5 इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स। क्वेश्चन मोर और लेस सब एलसीएम एचसीएफ ही है, बस घुमा दिया गया बहुत ज्यादा। The least number which when increased by 5, कोई least number है जिसको 5 से increase करते हो, मतलब 5 add कर देते हो, then वो जो number है that is divisible by each of the number that is 24, 32 and 36. And फिर से वही least number, तो it's better कि आप इन तीनों का क्या निकाल लें, LCM, और उस LCM के basis पे उसमें से minus 5 कर लो, तो उसमें जो 5 ऐड करोगे तो वो नंबर डिविजिबल होगा। एंड सॉरी इन तीन का नहीं, 4 भी है, 54 भी है, यहाँ पे एक फोर्थ नंबर भी है, करके देखो जरा। क्वेश्चन समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, बस क्वेश्चन को कैसे टर्न और ट्विस्ट ला रहा है क्वेश्चन में वो समझ लीजिए, बाकी सॉल्यूशन का तरीका वही है। जब भी क्वेश्चन पूछेगा इन सारे पूरे ही चैप्टर का बात कर लो, सिर्फ एलसीएम और एचसीएफ के बेसिस पे ही पूछा गया है, जो भी पूछा गया है कुछ भी नया नहीं है, बट हाँ सबके लिए अप्रोच जो होगा वो डिफरेंट होगा।
एलसीएम कितना आ रहा है 24, 32, 36 का? 72. So the least number which when increased by 5 is divisible by all these numbers. So 72 आ रहा है, सिर्फ 72 आ रहा है, बहुत कम है तो फिर नहीं, 72 नहीं हो सकता है, 54 से divisible नहीं होगा अभिजीत वो 72. मैम 54 से divisible नहीं है, 2 है, और एक बार 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर एक तो 3 आएगा, बस 4 और 3 और एक लास्ट में बचेगा. तुम तीन ही नंबर लिए हो क्या, 24, 32, 36? नहीं, चलो 54 भी लिए हो ना, तो हाँ. क्या आया, क्या है एलसीएम? 2 2 4 4 12 24 24 3 72 3 72 72, तो 54 से डिविजिबल नहीं है, और 3 और एक 3 था, ओ हाँ मिस किए, 72 into 3 72 6 कर लो, 2 1 4 420 और 2 6 जा 12 जोड़ दो, 420 432. मैम वेट 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 मैम वेट वेट 72 into 6 ही करना है ना, 72 into 6 करना है. मैम हो गया, आंसर आ गया, 869 869 इसका क्या है एलसीएम नहीं 864 एलसीएम है और 5 इंक्रीज करेंगे इंक्रीज्ड बाय 5 है ना तो घटाओगे ना 859 हाँ 859 आएगा हाँ क्योंकि एक्चुअल क्वेश्चन जो है वो है नंबर जो भी है उस नंबर में 5 इंक्रीज करना है, मतलब इसमें 5 ऐड करोगे देन वो डिविजिबल होना चाहिए, तो 859 प्लस 5 इज इक्वल टू 864 वो एलसीएम. ठीक है, हो गया. यस मैम. द लार्जेस्ट वाटर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 7 13 रिमाइंडर इज 3 इन ईच केस. चलो ये जरा सोचो तो अच्छा अच्छा एक्सरसाइज हो जाएगा तुम लोग के दिमाग का. क्वेश्चन नंबर 74 देखो, द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर. सो 4 डिजिट नंबर लार्जेस्ट क्या होता है, 4 times 9? हाँ 4 times 9 है. तो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय, ठीक है, लार्जेस्ट 4 डिजिट है हमें पता है वो 99 है, लेकिन दैट इज नॉट डिविजिबल बाय 4 7 13. ठीक है, अब 4 7 13 से तीनों से ही डिविजिबल होना चाहिए और हमेशा ही रिमाइंडर 3 बचना चाहिए, ऐसा कौन सा लार्जेस्ट नंबर होगा इन सब में? कैसे करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, क्या करेंगे? इसको ट्रायल मेथड यूज करेंगे और सब निकल जाएगा. हाँ ठीक है, ट्रायल मेथड यूज करो, बताओ क्या आएगा. 7, 4 and 13 इसको ट्रायल मेथड करोगे ना अभिजीत तो ज्यादा लेंदी पड़ेगा, क्योंकि 7 कुछ कर भी नहीं सकते ना, कहाँ 4 टाइम्स टर्म है, बताए तो थे अगर 3 नंबर्स है उसका डिविजिबल देखना है तो तरीका है, क्योंकि इसमें कहाँ 4 डिजिट नंबर 999 4 टाइम्स 9 वाला केस आ रहा है, और उसमें आप 4 से डिवाइड करके देखेंगे, 7 से डिवाइड करके देखेंगे, 13 से डिवाइड करके देखेंगे स्मॉल, और 3 से डिवाइड करके, सॉरी 3 नंबर से एलसीएम इसका निकाल लेंगे. एलसीएम निकाल के फिर इसका डिवाइड करेंगे. हां एलसीएम निकाल के फिर डिविजिबल चेक करो तो ठीक है, और एलसीएम के साथ उसमें क्या है रिमाइंडर 3, तो उस एलसीएम में 3 ऐड कर देना, समझ गए? मैम तब लास्ट में उन लोग इसका 3 निकल जाएगा ना, इसका 3 रिमाइंडर बच जाएगा. ठीक है, वो भी कर लो, वो भी कर लो, कर लो कोई बात नहीं. प्रिया समझ आ गया कैसे करेंगे? यस मैम आ गया. सबसे अच्छा तरीका अगर यहाँ पे हिट एंड ट्रायल करोगे तो ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में फंस जाओगे, उससे अच्छा तरीका यही है तीनों का एलसीएम निकाल के एलसीएम ले लीजिए. हाँ एलसीएम ले लीजिए, उस एलसीएम से
फोर टाइम्स नाइन को डिवाइड कर लो, ठीक है, डिवाइड करोगे तो जो रिजल्ट आ रहा है वो, उसके बाद जो रिमाइंडर बच जाए माइनस, उसको फोर टाइम्स नाइन में घटा दीजिए, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें थ्री ऐड कर दो, या फिर शुरुआत में जो थ्री जो उसका एलसीएम आ रहा है ना उससे डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट है उसमें थ्री ऐड कर लो, ये दो काम कर सकते हो तुम, समझ गए या करके बताना पड़ेगा? ना समझ आ गया मैम, जैसे कि इसका एलसीएम आएगा उसको 9999 से उसको पहले डिवाइड करेंगे, पहले 4 टाइम्स 9 हो गया ये ना, बना रहे एक मिनट, हाँ ठीक है हम समझ रहे हैं, बना रहे हैं। इस टर्म में आपको क्या करना है, तीनों का जो भी एलसीएम आया उससे डिवाइड कर लो, तो डिवाइड करोगे तो मैक्सिमम कहाँ तक डिवाइड हो सकता है ये पता चल जाएगा, तो वो जो नंबर आएगा डिविजन के बाद उसको फिर सब्ट्रैक्ट करना है, उसके डिवाइड करने के उसका जो मल्टीपल आएगा उसको इससे सब्ट्रैक्ट करना है, उसका मल्टीपल जो आएगा उसको इससे सब्ट्रैक्ट करना, तो जो आएगा वो रिमाइंडर हो जाए, वो फिर उसको उस पोर्शन से घटा दोगे तब फिर बनाना है, करो करके देखो जो कर रही हो पहले करके देखो, कंफ्यूज मत होना। क्वेश्चन आया अभिजीत आया, राजवी ये तो पता नहीं कहाँ ही चली गई, मैम आ गया, आ गया 9831 कितना आ रहा है 9831 ऑप्शन बी, या फिर और कुछ हो सकता है, प्लेन 9831 एक तो डिविजिबल है, नहीं मैम यही आ रहा है मेरा भी यही आ रहा है मैम 9831, हाईएस्ट कॉमन डिविजन निकालना है यहाँ पे, हाईएस्ट कॉमन जो कि उसमें हर केस में थ्री ये मिले तो जो भी डिविजिबल आया होगा उसमें थ्री ऐड कर देना बस, हो गया, या फिर एक काम कर सकते हैं
हाँ मेथड से इसको जो 8739 है इसको माइनस 3 का ही के फिर डिवाइड करिए। हाँ वो भी कर सकते हैं, एक बार में आंसर आ सकता है। क्या कर सकते हैं, एक बार फिर से बोलो। हाँ एक बार में क्या आंसर आ जाएगा? एक बार में नहीं आएगा, चारों को करना पड़ेगा। हाँ वही तो, सबको अलग अलग डिवाइड करना है। 4713 सबसे डिवाइड करोगे तो वो डिविजिबल नंबर बहुत ज्यादा आ जाएगा। और अब उसको करना क्या होगा, इन तीन नंबर से इसको डिवाइड करना होगा, इन तीन नंबर से इसको डिवाइड करना होगा, इन तीन नंबर से इसको डिवाइड करना होगा, फिर इन तीन नंबर से इसको डिवाइड करना होगा। ये ज्यादा लेंदी प्रोसेस है ना, इससे ज्यादा अच्छा है कि आप तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए। और हाईएस्ट कॉमन नंबर आपको पता है 999 होता है, 4 times 9। अब उसको डिवाइड कर दो उसके कॉमन फैक्टर से, तो उसमें जो भी उससे ऐसा नंबर आना चाहिए कि उसका मल्टी डिवाइड करके लाइए तो वो हाईएस्ट जो मल्टीपल होगा उसका वो वैल्यू निकाल लो, और उस वैल्यू को जो रिजल्ट आया है मल्टीपल का उसको 4 times 9 से घटा दो और 3 ऐड कर दो उसमें, क्योंकि इसमें चार नंबर से तुम हर बार तीन तीन से डिवाइड करोगे, पता चला ये तो स्मॉल नंबर है ना, इसको डिवाइड करने में भी बहुत टाइम लगेगा। आप शॉर्टकट तरीका ढूंढ के सोचेंगे हम कर लें, लेकिन और ज्यादा टाइम लग जाएगा, है ना? Yes, ma'am. So, यही ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। ठीक है बाकी कर लेना, फिर नेक्स्ट क्लास में हम दूसरा कुछ टॉपिक करेंगे, ये प्रैक्टिस कर लेना बाकी का, और इससे ज्यादा तो और कुछ सॉल्यूशन है नहीं। चलो ठीक है फिर, ओके देन।